Today's topic is relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Before we start this, let us understand what is a harmonic progression. A1, A2, A3, this will be called harmonic progression if 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 is an AP. That is, ये जो भी हमारे terms हैं, इनका जो reciprocal part होगा, और उन terms की जो series होगी, यदि वो AP है, then we can say that A1, A2, A3 क्या होंगे? They will be a harmonic progression. So we can say that ये जो series है, 1 upon A1, 1 upon A2 and so on, will be an HP. यदि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? If we can write this in this form, 1 upon A, 1 upon A plus D, 1 upon a plus 2d and so on. और ये क्या है? एक arithmetic progression होगा. The nth term of HP will be reciprocal of nth term of AP, that is 1 upon a plus n minus 1 into d. First term of HP will be 1 upon a, a2 will be 1 upon a plus d, a3 will be 1 upon a plus 2d and likewise. Let us understand this concept with the help of an example. Find a HP whose third term is 6 by 7 and 14th term is 1 upon 3. By the expression of nth term of an HP, A14 ki value hogi 1 upon A plus 14 minus 1 into D, that is 1 upon A plus 13 D. This is equal to 1 upon 3. तो हमें क्या मिल गया? We get an equation 3 equals to A plus 13 D. ये एक equation हमको मिल गई है यहाँ पर. अब हमारे पास दूसरा केस है. A3 is equal to 6 upon 7. So, A3 will be equal to 1 upon A plus 3 minus 1, that is 2 D. और ये क्या है? This is equal to 6 upon 7. तो हमें यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रही है? 6 टाइम्स ऑफ a प्लस 2d इज इक्वल टू 7. इसको हम सिंप्लीफाई यदि करते हैं तो दिस विल बी 6a प्लस 12d इक्वल्स टू 7. नाउ इन सेकेंड इक्वेशन 6, a के वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं तो a विल बी इक्वल टू 3 माइनस 13d. तो ये हो गया 3 माइनस 13d प्लस 12d इक्वल्स टू 7. ये हो गया 78d प्लस 12d इक्वल्स टू 7. ये कांस्टेंट हम यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. 18 माइनस 7 विल बी 11 और 78 में से हम क्या करेंगे? 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी 6 एंड दिस विल अगेन बी 6. तो डी की वैल्यू क्या आ रही है? 11 अपॉन 66, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. अब इससे हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर ए. दिस इज इक्वल टू ए इज 3 माइनस 13d और डी की जगह हम क्या रखेंगे? 1 बाय 6. ये वैल्यू आ जाएगी 6 3 18 माइनस 13, दैट इज 5 अपॉन 6. तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है और क्या मिल गया है? वी गॉट द वैल्यू फॉर डी एज वेल एज ए. अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट द टर्म्स ऑफ एन एच पी. सो वॉट आर एच पी इज गोइंग टू बी? इट विल बी 1 अपॉन a, 1 अपॉन a प्लस d, 1 अपॉन a प्लस 2d, 1 upon a plus 3d and so on. These will be the terms of our HP. तो पहला term क्या होगा? 1 upon a. What is a? A is 5 upon 6. Next term, a 5 by 6 plus d. What is d? D is 1 upon 6. Next term, 1 upon a plus 2 times of 1 upon 6. अगला term, 5 by 6. प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 बाय 6 एंड सो ऑन. यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 अपॉन 5, 5 प्लस 1 6, 6 बाय 6 इज 1,
अगला टर्म 5, 6, 7, 7 by 6, तो ये 6 ऊपर हो जाएगा. अगले केस में 5, 6, 7, 8 by 6, 6 ऊपर हो जाएगा एंड सो ऑन. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी वर गिवन ओनली 2 टर्म्स और उन दोनों टर्म्स की मदद से वी फाउंड इक्वेशंस. फ्रॉम दैट वी फाउंड द वैल्यूज फॉर ए एंड डी एंड फ्रॉम दैट वी फाउंड और एचपी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एचपी आर 1 by 12 and 1 by 32, फाइंड इट्स 15th टर्म. What we have here, A, 3, this is equal to 1 upon 12. और दूसरी चीज A, 7 is equal to 1 upon 32. जो A3 है, this is equal to 1 upon A plus N minus 1 into D. What is N here? 3, तो 3 minus 1 is 2, D. सिमिलरली A7 के लिए दिस टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस 7 minus 1 इंटू डी दैट इज 6D. तो अब इन दोनों केसेस से वी गॉट 2 इक्वेशंस. व्हाट इज इट? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 32. यदि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं, ए विल गेट कैंसल्ड और क्या बचेगा? 6 minus 2 दैट इज 4D इज इक्वल टू 20. तो डी की वैल्यू क्या आ गई? डी इज इक्वल टू 5 हियर. अब ये जो वैल्यू आई है, इसको हम सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, विल गेट द वैल्यू फॉर ए. सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर की तो 12 minus 2 टाइम्स ऑफ डी दैट इज 5 to the 10. तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2. तो हमें क्या मिल गया? ए की वैल्यू भी मिल गई और डी की वैल्यू भी मिल गई. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर द 15th टर्म जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में. दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 दैट इज 15 minus 1 दैट इज 14 डी. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉट इज ए 2 वॉट इज डी 5. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 upon 14 into 5 is 70 and 70 plus 2 is 72. So this is going to be your 15th term of the given HP. After understanding what is a harmonic progression, let us study what are the different means. हम यहाँ मान के चलते हैं that A and B are two positive रियल नंबर्स. कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? मीन. फर्स्ट इज योर अर्थमैटिक मीन. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई ए एम एंड दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू नंबर्स जिनका हमें मीन निकालना है. उन दोनों का हम क्या करेंगे? वी विल एड देम एंड डिवाइड बाई 2. दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन दैट इज जी एम. दिस इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ द टू नंबर्स. और थर्ड आता है हार्मोनिक मीन. This is equal to 2 times of AB upon A plus B. This is the harmonic mean. And the relation between the three means is the arithmetic mean is always greater than the geometric mean or geometric mean hamesha harmonic mean se bada hoga. So this is your relation between the three means. To understand this concept better, we shall take this example. If harmonic mean and arithmetic mean of two numbers are 3 and 4 respectively, then you are asked to find the numbers. We are given that HM is equal to 3 and AM is equal to 4. Or what you are asked here, you have to find the two numbers. That is, you have to find A and B. तो एच एम का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी. ए बी क्या है? यही दो नंबर्स हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. और दूसरी चीज ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2. तो इन दोनों केसेस से हमें क्या मिल रही है? वी आर गेटिंग 2 इक्वेशंस. एक इक्वेशन हो रही है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 to the 8 और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है?
3 times of A plus B is equal to 2 times of AB. Now, look here. We are given A plus B. और पहली इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू कितनी है a, तो यदि हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज 8 3 24. तो इससे क्या मिल गया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12. तो ए बी की वैल्यू मिल गई 12. एंड अनदर वन इज a प्लस बी इज इक्वल टू 8. 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 into 2 इज 12 और 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होता है. देयरफोर व्हाट वी गॉट हियर इज एक नंबर होगा 6 और दूसरा नंबर होगा 2. तो वी कैन से दैट ए को हम लिख सकते हैं 2 और बी को हम मान के चलते हैं दिस इज 6. वी कैन चेक इट ऑल्सो, जब हम ये दोनों वैल्यूज HM में रखेंगे तो आंसर विल बी 3 एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस इन AM द आंसर इज गोइंग टू बी 4. सो द टू नंबर्स दैट वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन आर 2 एंड 6. सो दिस इज ऑल वी हैव for arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and harmonic progression. In the next class, we shall study some special kind of sequences.